आप सबका इस्तकबाल है टेल न्यूज 247 पर। एक हामिला खातून मलकपेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अचानक गायब हो गई। तफसीलात के मुताबिक मलकपेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करीमा बेगम 20 साल जो हामिला थी अपना चेकअप करवाने गवर्नमेंट हॉस्पिटल मलकपेट पहुंची बाबा नगर से। उनकी बहन के साथ सुबह 7:30 बजे बहन को हॉस्पिटल में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी और करीमा बेगम गुम हो गई, जिसके बाद पुलिस और हॉस्पिटल स्टाफ को इतला दी गई। सीसीटीवी फुटेज के जरिए करीमा को तलाशा जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट टेल न्यूज 247 के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद। ब्यूरो रिपोर्ट टेल न्यूज 247। सुबह 7:30 को आए दवाखाने को, हम लोग पुलिस दवाखाने को आए, गेट पे आके दोनों जा रहे थे अंदर, दोनों को नहीं जाना बोले, पेशेंट जाना खाली, दोनों नहीं जाना बोले तो पेशेंट अंदर चले गए, मैं आके बाहर बैठी, फिर उन्होंने पीछे की गेट खोल दिए, भाभी वहाँ से आके बैठो बोले, तो उधर से आके बैठ के मैं फ़ोन कर रही हूँ, उधर आके बैठ गई मैं बोल के, फिर फ़ोन करें तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा, जब से उनका फोनिश नहीं लग रहा, अंदर भी स्कैनिंग कर भी जाके देखी वहाँ पे भी नहीं है, पूरा दवाखाना में भी चेक करी, चेक गई पूरे रूमों में, गई वॉशरूम में, सब जगह देखी, कहीं भी नहीं है। कहीं के लिए आए थे आप? चेकअप का स्कैनिंग है बोल के आए थे आप? क्या नाम है? बाबा नगर। क्या नाम है? करीमा बेगम है उनका। किस पे शक है आपको? शक में को किस पे भी नहीं गए, यहाँ से गए हम लोग, यहाँ का यहाँ कैसा गायब हो जाते हैं उन्होंने, हम लोग बता रहे कि बाहर भी नहीं गए ना, यहाँ से यहाँ चले गए उन्होंने, फिर मैं यहीं बैठ के हूँ। पुलिस कंप्लेंट करे? पुलिस कंप्लेंट करे? हाँ कर दिए, कर दिए कि मेरे को हकाल दिया वहाँ से, उनको अंदर है गया, उनको ले लिया।